आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज और मैं हूं वंदना हंस। आज डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से पत्रकार वार्ता की गई है। चलिए बातचीत करते हैं कि आखिर आज की पत्रकार वार्ता का क्या कुछ मकसद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं हरजिंदर सिंह रैना, एक्स प्रेसिडेंट श्रोमणी अकाली दल बादल, एक्स जनरल सेक्रेटरी DGPC जम्मू एंड स्टिल मेंबर ऑफ द DGPC जम्मू, मैं बोल रहा हूँ। हमारी जो इलेक्शंस हैं वो 8 जुलाई 2015 को हुई थी और 8 जुलाई 2020 को हमारा टेन्योर एक्सपायर हो गया, और गवर्नमेंट ने जो एक महीना पहला नोटिफिकेशन निकालनी थी इलेक्शन शेड्यूल की, वो नहीं निकली। उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि इस COVID-19 के चलते इलेक्शन करवा सके। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि या तो गवर्नमेंट हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया, या तो गवर्नमेंट इमीडिएटली इलेक्शन करवाए। अगर इलेक्शन नहीं करवाती तो गवर्नमेंट अच्छे से कम्युनिटी से अच्छे लोगों को जो धार्मिक रुचि रखते हों, जो वेल एक्सपीरियंस्ड हों, उनको नामजद करके कोई हडाक कमेटीज हमारी बनाए, और जो हमारे बोर्ड की भी जो चेयरमैन की पोस्ट जो 5 साल से वेकेंट पड़ी है उसको भी नामजद करके फिलअप किया जाए। ये हमारी सबसे पहली डिमांड ये। और दूसरी जो बात है कि जो एक्ट है, इस यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सारे एक्ट गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए, लेकिन गुरुद्वारा एक्ट को चेंज नहीं किया। सो हमारी ये भी डिमांड है कि इसको भी, क्योंकि दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, जो एक्ट दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का है उसी एक्ट को यहाँ जम्मू में भी लागू, उसी पैटर्न पे यहाँ जम्मू में भी लागू। आपने गुरुद्वारा एक्ट की बात की, तो इसके साथ साथ ही अगर सिख मैरिज एक्ट की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, लेकिन अगर बात की जाए सिख मैरिज एक्ट की, वो नहीं है, उसके बारे में आपका क्या कुछ है? हमने बहुत बार ये डिमांड कर चुके हैं गवर्नमेंट के पास कि सिख मैरिज एक्ट जो लागू किया जाए, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। तो हमारी ये भी एक मोस्ट डिमांड है कि इमीडिएटली ये जो बाकी जगह, क्योंकि दिल्ली में लागू है तो यहाँ भी लागू होना चाहिए। अब तो यूनियन टेरिटरी बन गई है तो गुरुद्वारा जो हमारा सिख मैरिज एक्ट है इसको भी लागू किया जाए। अभी बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा यूनियन टेरिटरी बन चुका है, यूटी बन चुका है, तो काफ़ी देर से जो है, महीनों से यूटी बन चुका है, लेकिन अभी तक उनका काम जो है नहीं जो है हो रहा है। जैसे आपने कहा गुरुद्वारा एक्ट भी जो है अभी तक नहीं किया गया है, न सिख मैरिज एक्ट किया गया है, किस तरह की डिमांड जो है आप करते हैं? हम तो चाहते हैं कि इमीडिएटली ये सारे एक्ट, हमारा एक्ट चेंज करके और आगे आने वाली जो इलेक्शन है वो एक्ट चेंज करके वो इलेक्शन करवाई जाए, उस पैटर्न पे इलेक्शन करवाई जाए। हमारी तो ये डिमांड है। हम तो गवर्नमेंट से अभी भी यही बात कहेंगे कि हमारी अगर 6 महीने बाद या साल बाद भी इलेक्शन गवर्नमेंट करवाती है तो वो नए एक्ट के मुताबिक इलेक्शन होनी चाहिए, ये जो पुराना एक्ट है इसको स्क्रैप किया जाना चाहिए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए कितना ज़रूरी है एक प्रेसिडेंट को होना, एक अगुआ को होना? हमारे गुरुद्वारा उसका जो रूटीन का जो फंक्शनिंग है, क्योंकि ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट खास तौर पे जितनी भी शताब्दियां मनाते हैं, जितने भी बड़े प्रोग्राम हैं वो जम्मू सिटी में है, क्योंकि सिख संगतों का ज़्यादा इकट्ठ जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो प्रॉपर्टीज़ भी गुरुद्वारों की सब कुछ इसी जम्मू DGPC के पास है। सो हमारी तो ये डिमांड है कि ये जल्द से जल्द लागू किए जाएं, ये एक्ट बनाकर इलेक्शन कराई जाए, नहीं तो कमेटियां नामजद करें। इसीलिए हम नामजद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कमेटियां आएंगी तो गुरुद्वारों का प्रॉपर जो है फंक्शनिंग हो पाएगी, अदरवाइज़ उसको नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि आज डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से पत्रकार वार्ता की गई थी। क्यों की गई है? इनका कहना है कि 8 जुलाई 2015 से लेकर 8 जुलाई 2020 तक जो है हमारा टेन्योर पूरा हो चुका है। हम अब चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट आए जो धर्म की बातों को जानता हो, धर्म की रुचि रखता हो, ताकि आने वाली जनरेशन को भी वो धर्म के बारे में बता सके और सिख धर्म के साथ लोग जो है वो जुड़े रहें। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस, स्प्रिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।